हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी एस फास्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर के, आज का वीडियो कुछ खास है। दोस्तों मैं आया हूँ मथुरा वृंदावन जाने की, घूमता हुआ राजस्थान जाने वाला हूँ मैं आपके लिए। मैनीपुर बालाजी स्टेप बाय स्टेप राजस्थान मैनीपुर के, और आपके लिए स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। और हम 3 दिन का टूर पर आए हुए हैं यहाँ पर, और आज के वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में वो बताना जा रहा हूँ मैं आपके लिए मथुरा का टैंक चौड़ाया, जहाँ पर जो कि सारे हथियार हमारे आज भी मौजूद हैं सबूत के तौर पे। काफ़ी यात्रा करने वाले लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, देखने आते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे आपके लिए तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों हमने यहाँ पर ढाबे पर रोकी है, अलीगढ़ से चलने के बाद दोस्तों मथुरा से पहले हमने स्टॉप ले लिया। यहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया है सब लोगों ने, ये देखिए हमारी गड्डी खड़ी हुई है भाई। इस गाड़ी से आए हैं हम राजस्थान घूमने के लिए, मैनीपुर राजस्थान सभी जगह पर जाएंगे। और यहाँ का लोकेशन देखिए किस तरह का है, सुबह का टाइम है, अभी भीड़ भाड़ नहीं है और कुछ भी खाना बना नहीं है, केवल चाय मिली है हमें पीने के लिए यहाँ पर। अब आ चुके हैं दोस्तों हम मथुरा की जमुना जी के नज़दीक, जमुना जी के पार पर चल रहे हैं। अब जमुना जी के पुल पर गाड़ी जाने वाली है हमारी। अब देखेंगे आप जमुना जी का पुल कैसा है, जमुना जी में पानी कैसा चल रहा है। काफ़ी बड़ी और काफ़ी फेमस है मथुरा की जमुना जी। जमुना जी पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। जमुना जी के पार जाने के बाद में जमुना से गुजरते हुए हमारी गाड़ी मथुरा का टैंक चौड़ाया हम आपके लिए दिखाएंगे। वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, वहाँ का टैंक चौड़ाया दिखाएंगे। वहाँ पर आज भी तोपें और हेलीकॉप्टर टैंक काफ़ी हथियार मौजूद हैं। काफ़ी बाहर के लोग यात्रा करने वाले वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। दोस्तों बोलो जमुना मैया की जय। दोस्तों हमने जमुना जी मैया में जमुना जी के अंदर हमने माला चढ़ी हुई थी हमारे अंदर, वो हमने विसर्जन कर दिए। यहाँ पर चल रहे हैं जी, देखिए जमुना जी का नज़ारा आप देख रहे हैं किस तरह का है। काफ़ी बड़ी मतलब आपकी नज़र जाएगी उधर, आपके लिए पानी पानी ही नज़र आने लगेगा जमुना जी। इस समय काफ़ी कम है पानी दोस्तों, चूँकि बरसात कम हो रही है। अब देखिए इधर क्या भी साइड किस तरह की है, जो हमारे के जलाब साहब और हम बैठे हुए हैं इधर, और अब चलते हुए हम आप चलते हैं। अब आपका टाइम ना बिताते हुए जल्दी आपके लिए टैंक चौड़ाया दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज भरी वीडियो है। दोस्तों आप मथुरा साइड आते हैं तो इनको भी घूम के ज़रूर जाना चाहिए आपके लिए। स्पीड से मैं चल रहा हूँ जी। आ गया दोस्तों यहाँ का मथुरा का टैंक चौड़ाया, यहाँ से हम गाड़ी को लेफ्ट मोड़ेंगे और यहाँ से अब दिखाएंगे हम आपके लिए मथुरा का टैंक चौड़ाया किस वास्ते फेमस है, यहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोग देखने के लिए काफ़ी दूर से यहाँ पर आते हैं। मथुरा का मिनेक्टी एरिया दोस्तों शुरू हो गया है, ये टैंक चौड़ाए के पास में जो पड़ता है। अब आपके लिए हम आगे बढ़ के थोड़ा सा चलते हैं, तो वहाँ पर हम दिखाएंगे आपके लिए तोप, हेलीकॉप्टर, टैंक और वहाँ की पेंटिंग बहुत ही ज़बरदस्त बना रखी है। दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा, वहाँ एक बार जाते हैं तो आपको अपने शहीदों की याद आने लगेगी। और यहाँ के हथियार आज भी बड़े सेफ्टी के साथ रखे गए हैं यहाँ पर। दोस्तों टैंक चौड़ाया आपके लिए, अब दिखाएंगे हम यहाँ की कुछ खास बातें, खास आइटम, खास चीज़ें जो कि मैं पिछले भी वीडियो बनाया था मैंने, उस वीडियो में पूरा सब कुछ अच्छे से नहीं दिखा पाया। इस वीडियो में को अच्छे से पूरी जानकारी के साथ मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपके लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर ठहरा हुआ है, काफ़ी दिनों का ये आपको हेलीकॉप्टर यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये एक गेट बना हुआ है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग जहाँ जाते हैं अंदर भी जाना सख्त मना है। यहाँ पर टाइम टेबल से यहाँ घूमा जाता है, इसके अंदर जाते हैं तो दोस्तों। और यहाँ से मुड़ते हुए हम चलेंगे, बहुत जल्दी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तोप वगैरह हैं, टैंक वगैरह हैं, वो भी सब कुछ रखे हुए हैं। और थोड़ी आगे मैं चलता हूँ आपके लिए दिखाऊँगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है, मिस नहीं करना है दोस्तों। जो इस वीडियो में आपके लिए यहाँ घूमेंगे तो आपके लिए दोस्तों अपने शहीदों की बहुत ही पुरानी बातें यादें आ जाएंगी। ऐसी ऐसी पेंटिंग कलाकारों ने यहाँ बना रखी हैं दोस्तों। मैं घूमने आया यहाँ पर तो मेरा तो भाई बस पुरानी बातें हैं याद आ गई। देखिए यहाँ तोहफे रखी हुई हैं जो पुराने ज़माने में
सबसे पहले ऐसी तो थी। और यहाँ पर ये देखिए दो तोप हैं और टैंक वगैरह भी यहाँ रखे एक दो आइटम वगैरह रखे। लेकिन अंदर घूमने जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत सारे हथियार आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इसके अंदर भी जाएंगे देखने के लिए दोस्तों, आपको अंदर से दिखाएंगे किस तरह का है। पहले बाहर से आपको घूम कर चारों ओर का नज़ारा दिखाते हुए हम इस वीडियो के बाद में आपको पार्ट टू गरीबदास बाबा राजस्थान का वीडियो देखने को मिलेगा। मेहंदीपुर का भी वीडियो हमने बनाया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के पहाड़ों का वीडियो हम बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम बनाते रहेंगे दोस्तों। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन दबाना होगा। जी दोस्तों, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा नया नया चैनल है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो दोस्तों वीडियो को आगे शेयर भी कर देना, लाइक कर देना। क्योंकि दोस्तों मैं हूँ यूपी शहर अलीगढ़ का रहने वाला आपका दोस्त, जाना पहचाना, नाम है मेरा सोनू कुमार। यूपी शहर अलीगढ़ के आसपास के सभी तरह के ब्लॉग्स वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर दिखाता रहता हूँ। इस वीडियो के बाद में हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर जाना, आपके काम के आपके नॉलेज भरे वीडियो मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के बारे में, बस अड्डों के बारे में सभी जगह की जानकारियां मैं देता हूं, और मार्केट के बारे में और स्थल टेम्पल्स सभी जानकारी भरी वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपके लिए देखने को मिल जाएंगी। जी देखिए, हम मथुरा वृंदावन की मार्केट से निकलते हुए जा रहे हैं। सुबह का 8 बजे का टाइम है दोस्तों, इस वजह से सारी मार्केट बंद है, जहाँ की मार्केट काफ़ी फेमस काफ़ी बड़ी है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों, पुल पर आ गए हैं, ये पुस्ता जो पड़ता है हमारा, और इससे तोड़ते हुए आपको एक बेहतरीन सा नज़ारा दिखेगा बिल्डिंगों का और हरियाली का, वो आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। बादल हो रहे हैं, बरसात का भी टाइम है, सुबह हल्की हल्की बरसात भी हो चुकी थी दोस्तों। और अब जी देखिए, यहाँ से उतरते हुए आपके लिए, यहाँ का छोटा सा शहर है ये, और आपके लिए ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। गाड़ी से उतरते हुए आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा होगा। चुके हैं दोस्तों हम केला करौली जाने वाले रास्ता पर। आप केला करौली माता के दर्शन करने जाते हैं कभी तो यही चौड़ा है, यहाँ से आपके लिए जो लेफ्ट होना है, जहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, खाने पीने का कुछ सामान और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ यहाँ से मैं खरीदूँगा, जो कि बच्चे लोग हैं या कुछ बुज़ुर्ग हैं उनके लिए दर्द बुखार की दवाइयाँ खरीद के मैं यहाँ से रखूँगा। तो दोस्तों आपको मार्केट